आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन अक्टूबर महीना 58 साल में सबसे ज्यादा ठंड रहा, 58 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आपको बता दें अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। इस वक्त हम दिल्ली के बारापुला पर मौजूद है, आसपास की तस्वीरें आप देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में ठंड ने दस्तक अक्टूबर महीने में ही दे दी है और इसका एहसास दिल्ली वासियों को काफी वक्त से होने लगा है। तस्वीरें देखिए, सुबह की तस्वीरें हैं और काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो तापमान दर्ज जो की जा रही है वो 12, 16, 18 आपको बता दें जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। तापमान में यह गिरावट जो है वो शांत हवाओं और राजधानी शहर में बादल न होने के कारण है। आपको पता है कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो जो दर्ज की जा रही है वो भी कम है। दिल्ली में अक्टूबर में औसतन जो न्यूनतम तापमान रहा वो 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 1962 के बाद सबसे कम है। 1962 में अक्टूबर का जो तापमान था वो 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बता दें कि आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो रही है और मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राजधानी में आपको बता दें कि जो तापमान सबसे ज्यादा कम रहा वो आपको बता दें कि गुरुवार को था, जब 12.2 डिग्री सेल्सियस था। 26 साल के रिकॉर्ड को दिल्ली में तोड़ दिया था ठंड ने। और आने वाले समय में मौसम विभाग ने ये कहा है कि नवंबर की शुरुआत हो गई है और जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हम देख रहे हैं अक्टूबर में ही ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तापमान जो है लगातार गिर रहा है और आने वाला समय और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोरोना और एक तरफ पॉल्यूशन का भी जो लेवल है वो भी राजधानी में बढ़ रहा है और ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों को डॉक्टरों की यही हिदायत है कि कम से कम घर से बाहर निकले और जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले और अपना ध्यान जरूर दे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारत, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।